आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए मुंबई इंडियंस कौन से प्लेयर जो है वो रिटेन में रख सकती है। सबसे पहले आ रहे हैं रोहित शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस। इसमें से दोस्तों रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन रिटेन में रख सकती है और डेवाल्ड ब्रेविस को निकाल देगी। उसके बाद आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। इसमें काफ़ी बड़ा सस्पेंस है और इसमें सूर्य कुमार यादव को रिटेन में रखा जाएगा और ईशान किशन को निकाल दिया जाएगा। आगे आ रहे हैं हार्दिक देसाई और तिलक वर्मा। इन दोनों को भी निकाल दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद टीम डेविड और विष्णु विनोद, इनको भी मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो रिलीज़ करने वाली है। उसके बाद ऑलराउंडर की लिस्ट आ रही है जिसमें हार्दिक पांड्या और अर्जुन तेंदुलकर आ रहे हैं आगे। उसमें से हार्दिक पांड्या को रिटेन में रखा जाएगा और अर्जुन तेंदुलकर को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है मोहम्मद नबी और मॉरिस शेफर्ड, इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद है शम्स मुलानी और निहाल वडेरा, इनको भी टीम से रिलीज़ कर दिया जाएगा। गेरलाड कौर जी और अंशुल कबोज, इसी साल इन्होंने टीम में शामिल किए थे और अब इनको निकाल दिया जाएगा टीम से मेगा ऑक्शन से पहले। उसके बाद नमन धीर और शिवालिक शर्मा, इनको भी निकाल दिया जाएगा, ऑप्शन से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। बॉलिंग की बात करें तो आ रहे हैं इसमें कविना मैपाका और जसप्रीत बुमराह। इनमें से कविना मैपाका को रिलीज़ कर दिया जाएगा और जसप्रीत बुमराह को रिटेन में रखा जाएगा। इसके बाद पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेयन, दोनों को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये बाद आकाश माधवाल और ल्यूक वुड, इनको भी टीम से निकाल दिया जाएगा। दिलशान मधुशंका, श्रेयस गोपाल को भी टीम से निकाल दिया जाएगा। लास्ट में आ रहे हैं नुमन तुसार, इनको भी टीम से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से जो चार प्लेयर हैं रिटेन में रख सकती है मुंबई इंडियंस की टीम, इसमें से रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर है, और उसके बाद हैं जसप्रीत बुमराह जो कि फास्ट बॉलर है। इस तरह से ये चार मजबूत ऐसे प्लेयर हैं जिसको मुंबई इंडियन अपने स्क्वाड में रखकर चलेगी और मेगा ऑप्शन में देखना होगा कौन से खिलाड़ियों को वो स्क्वाड में ऐड करने वाली है। तो यही चार प्लेयर जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है रिटेन में रखने के लिए। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।